जिले में अपराध को कंट्रोल करने के लिए एसपी के निर्देश अनुसार अब ट्रैफिक पुलिस भी करेंगे एक एक गाड़ी की जांच। जानकारी के मुताबिक आपको अवगत कराते चलूं, यह विजुअल तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सीतामढ़ी मेसौल चौक की है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस एक एक गाड़ी पर कड़ी नजर रखते हुए इशारा करके आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भीड़ जैसे इकट्ठा होता है वहां पर वाहन जांच भी ये लोग शुरू कर देते हैं कि डिक्की में क्या है और क्या लेकर के मार्केट में इन कर रहे हैं। ये छोटी गाड़ी हो या बड़ी, सभी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर चौमुखी खड़े हैं और एक एक गाड़ी को इशारा कर रहे हैं कि आराम आराम से यहाँ से आगे बढ़ाए, क्योंकि वाहन जांच के भी सिस्टम लागू है। जहां पर इन लोगों की शंका बनती है तुरंत वाहन जांच करना शुरू कर देते हैं। गौर से आप देख सकते हैं यहां पर छोटी गाड़ी हो या बड़ी, सभी पे कड़ी नजर रखी जा रही है। गौर से आप देखें यहां पर ये मेसौल चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस यहां पर कड़ी नजर रखते हुए भीड़ को काबू करने में जुटे हुए। वहीं जहां पर इनको शंका होता है तुरंत गाड़ी को रुकवा करके और पूछताछ जारी कर देते हैं। ये एसपी मनोज कुमार तिवारी के निर्देश अनुसार ये सख्ती से पालन सीतामढ़ी प्रशासन सभी जगह पर आजकल वर्दी के नियमों के पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। गौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी गाड़ी हो या बड़ी, कोई भी गाड़ी बक्से नहीं जा रहे हैं, सभी गाड़ियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं यहाँ के प्रशासन और इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि जाम लगेगी तो मार्केट में समस्या बढ़ सकती है। इसलिए धीरे धीरे एक एक गाड़ी को यहाँ से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। गौर से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ सीतामढ़ी मेसौल चौक की है, जहाँ पर तीन तीन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तीन नहीं चार नजर आ रहे हैं और चारों अपने अपने ड्यूटी पर तैनात है। और गौर से आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर एक एक गाड़ी को लाइन बाई लाइन से पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे ट्रैफिक लेफ्ट राइट की कोई सिस्टम भी नज़र नहीं आ रही है।